flux calculation and we did Gauss law. Gauss theorem and Gauss law are same thing. It's mathematical and it is used for calculation. It's also called as Gauss law. Paridhi, have you joined? Paridhi? Sir, hai nahi class mein. अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, बात नहीं करेंगे एक साथ। डायपोल के लिए कुछ और चीजें चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड for a single surface and closed surface. This is what we did. Right? What is electric flux? Sure. Electric flux kya hai? Huh? Ha beta? Use batao aur kaise batao? Okay. बोल के बताओ। ये अच्छा आंसर है। समझ गया कैसे बताऊं? बता तो सकता हूं मैं बेटा, पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? वो लास्ट ईयर का जो एक था अनुमान पीरियड है, सो नाउ लाइफ इज गोइंग टू बी इतना रियल जो यस यू कैन डू। अगले साल पूरा सिलेबस भी आएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अपने का पढ़ाई होती हो यहाँ, ठीक है, बढ़िया। तो चार बार तो डिफ्रेक्शन होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट। यस, किसी भी क्लोज सर्फेस के लिए टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, फाइव आउटवर्ड माइनस फाइव इनवर्ड्स। तो हमने कुछ कुछ केसेस के क्वेश्चन किए थे और एक लास्ट डेरिवेशन कर रहे थे जब चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज और उसके आर डिस्टेंस पे किसी कोन के वर्टेक्स पे रखा हुआ है चार्ज और हमें उस कोन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम कैलकुलेट कर ले टोटल चार्ज तो कितना पार्ट इनसाइड आया, ये भी कर सकते ना कैलकुलेट। एक पॉइंट चार्ज उसका कितना पोर्शन इनसाइड है एंड अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस फॉर्मूला इन लास्ट क्लास, राइट? किसी भी क्लोज सरफेस से अगर इमेजिनरी हम कोन बना लेते हैं, अंदर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करने का कुछ तरीका होता है, बट दैट इन्वॉल्व्स सॉलिड एक्टिव। सर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है? नहीं नहीं बेटा, खत्म हो गया था। हमने एक लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कोन व्हेन चार्जेस कैप्ट एट द वर्टेक्स। शायद आप पूरी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए होंगे इसलिए। यस सर, ओके। हां, यू मिस्ड लास्ट क्लास, ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन। एक तरीका है हम ये पता कर लें कि टोटल क्यू चार्ज का कितना पोर्शन इनसाइड है एंड देन क्यू इनसाइड में एप्सिलॉन नॉट। दैट वाज द फ्लक्स फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्लियर? या मैं उस माइक को एक लगाऊं बिकॉज़ द अदर बैच वन इज आ रही है? कैसे कैलकुलेशन करते हैं बिकॉज दैट पार्ट ऑफ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। कौन सी फोटोमेट्री करके एक ब्रांच होती है, लाइट से कितना एंगल, कितनी ब्राइटनेस इस वॉल पे, कितनी ब्राइटनेस साइड वॉल पे, तो दैट पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। सॉलिड एंगल को हम यूज नहीं करते, दैट इज लिटिल
सो वी यूज अ नॉर्मल अप्रोच, हम इसको सॉलिड एंगल की जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू इट, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वी यूज द अप्रोच, हमें एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेना होगा डीए, एंड फॉर दैट एरिया वेक्टर कैलकुलेट द फ्लक्स ई डॉट डीए एंड देन इंटीग्रेट फॉर द होल सरफेस, राइट, दैट वाज द आइडिया. सो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क बनाने के लिए वी यूज रिंग, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस के छोटे से रिंग, and for this ring the total number of electric field lines that are passing, iske surface pe electric field into da, this angle theta, this angle, electric flux passing to this small surface, passing to this small surface ko likhte hain e dot da, and this dot means e into da into cos theta. इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, ये डिस्टेंस शायद हमें ली थी एल, सो दिस विल बिकम रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. करना क्या चाहते हैं, ऐसे जितने भी रिंग्स हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समेशन वी हैव टू डू, सो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द टोटल रेडियस. इंटीग्रेशन का एक मेथड है, दूसरा मेथड है चार्ज इनसाइड निकालने के. E dot da is one method of finding flux. या फिर charge enclosed upon epsilon naught. Charge enclosed. ये length जो है, इसकी ये root r square plus l square है. ये r. R or l. Okay, okay. Yes. Hypotenuse आगे वो small r square plus l square. Electric field will be k q divided by root का square करोगे तो root हट जाएगा. Into dA, dA is this area of the small ring is 2 pi r dr, into cos theta is base upon hypotenuse. इस छोटे से रिंग से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, k को 1 upon 4 pi epsilon लिखेंगे तो 2 pi and 2 pi 1, q upon 2 epsilon naught l, ऊपर आएगा r dr divided by r square plus l square. L square plus R square को हम substitute कर लेते हैं by T square, and this is not a magic, ये maths में पढ़ाया जाता है कैसे किसी function में कहाँ पर क्या substitute करते हैं. L square plus R square को T square लेके differentiate कर दो. L is the distance which is constant from that point to vertex, इसका differentiation 0. R square का differentiation 2 R dr, T square का differentiation 2 T dt. This is called variable surface. So R dr is equal to T times dt. Substitute here Q L by 2 epsilon naught T into dt. R square plus L square will be T square and then power T by 2, that becomes T cube. T square or its power 3 by 2. Since called substitution method. Q L upon 2 epsilon not T or नीचे T Q, it becomes T square D T by T square. So basically हमें इसको integrate करना है. If we change T squared new आखिर अबेटा कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है. Now we'll integrate this on both the side. Integrate करने के बाद हम नीचे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. This is 5. Q L by 2 epsilon naught 1 upon T square का integration हो गया minus 1 upon T T to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, so that is Q L by 2 epsilon naught minus 1 divided by root of small r square plus L square limit from 0 to capital R.
We'll substitute the limit small r from 0 to capital R. Yes. Right, so we'll substitute this value. Pi comes QL by 2 epsilon naught minus 1 by root L square plus R square minus plus 1 upon L. Multiply by L inside. The flux passing through this conical surface is Q by 2 epsilon naught. 1 minus L divided by root L square plus R square, and L by root L square plus R square becomes half of the vertex angle that cos. It becomes cos alpha, Q by 2 epsilon naught, 1 minus cos of alpha. This is the flux passing through that conical surface. Okay, please check the audio. Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, thank you. Right, so flux passing through this cone. Agar ye cone nahi ho, keval ek disk rakhi ho L distance pe, then also we'll use the same formula. Q by 2 epsilon naught, 1 minus cos theta. Theek hai? एडवांस में कभी क्वेश्चन आया था, एक डिस्क, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू वन एंड क्यू टू, दोनों के फ्लक्स को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. क्वेश्चन इज, देयर इज अ डिस्क एट सम डिस्टेंस एल बाई थ्री एल बाई फोर, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. दोनों साइड का फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला, क्यू वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट. अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जस्ट आई एम आस्किंग दिस कंसेप्चुअली. इधर से सपोज एंगल अल्फा था, दूसरी तरफ से एंगल बीटा, देयर विल बी टू फ्लक्स फाई वन एंड फाई टू, बोथ विल बी एडेड और सबट्रैक्टेड, दैट इज द क्वेश्चन. सर एडेड, एडेड बिकॉज़ इसकी फील्ड लाइंस इससे अवे एंड दिस फील्ड लाइन विल बी टुवर्ड्स, सो बोथ द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ दिस डिस्क ओनली, सो बोथ विल बी एडेड. फाई वन प्लस फाई टू विल बी द नेट फ्लक्स coming out of this electric, coming out of this disk. Usme kuch value aisi thi that this value comes exactly same. Option, first option was 0, aur logon ne galti se 0 maar diya. Theek hai? Right. So
ये तो हमने एक इंटीग्रेशन वाला देख लिया, और कुछ हमने देखे थे बाय द सिमेट्री वेयर वी कैन यूज द प्रोजेक्शन एरिया कॉन्सेप्ट। तो लाइकवाइज हम किसी भी शेप की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसमें हमें इंटीग्रेशन करने में थोड़ी समस्या होगी। दैट्स व्हाई देयर इज अनदर अप्रोच, एंड दैट इज वी जस्ट फाइंड व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एनी क्लोज सरफेस एंड द टोटल फ्लक्स विल बी क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। According to Gauss theorem, Gauss law, the total flux coming out of a closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed. This short form is right. So now we'll use this approach to calculate the flux. It doesn't matter if a closed surface kaisa hai, for any closed surface, this is the Gauss theorem or Gauss law. The net flux coming out of any closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times charge present inside. So, kuch simple cases start karte hain. First example is, suppose a charge Q is present at the center of Q. A symmetrical cube. Uske center pe agar ek charge rakha hua hai Q, what is the total flux coming out of this cube? If we apply this Gauss law, and the charge rakha hua Q, total flux that comes out is Q by epsilon naught. Yes, sir. Does it depend upon the size of the cube? No, it does not depend upon the size of the cube. Does it depend upon the geometry of this closed surface? Again, no. Ye cube ho, cuboid ho, sphere ho, cylinder ho, anything. When the charge present inside is Q, the total flux is net flux coming out of this cube surface is Q by epsilon naught. Right? What is the flux passing through one of these phases? 1/6. Because there are six phases, identical, symmetrical, the electric field lines are symmetrically passing through these six surfaces, six faces, so through one of them, it will be electric flux through each face, that will be 1/6. So, this is an alternative question which is in NCERT and in the board. That 10 centimeter square of side length 10 centimeter and the charge of 2 nanocoulomb is present at 5 centimeter above the center. Calculate the flux through this square. Inspired by the same. Agar hum aise 10 centimeter ke dono taraf se square cover up kar denge to cube bach jayega. And this will become one face of the cube. So total electric flux that is coming out of this square will be Q by 6 epsilon naught. Right? Ye itna wala portion common ho gaya. Total length is L. The height is the L by 2. So 10 centimeter ka square aur uske center se 5 centimeter upar agar koi charge rakha hua hai, then if we enclose it from all the side, enclose karenge by the similar size of the square, then it becomes center of the cube. Aur ek face se jo flux pass hota hai, that is Q by 6 epsilon naught. So total flux that is coming out of this square surface would be Q by 6 epsilon naught. This is another example which is in NCERT. Okay. तो ये तो सिंपल वाला था, व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर. नेक्स्ट, व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द फेस सेंटर. व्हेन चार्ज क्यू इज केप्ट एट द फेस सेंटर, एट वन ऑफ द फेस सेंटर, टोटल देयर आर सिक्स फेसेस, देयर विल बी सिक्स सेंटर्स. किसी एक फेस के सेंटर पे अगर चार्ज क्यू रखा है, देन व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्यू.
सर सेम ही नहीं होगा क्योंकि आपने अभी बोला था कि इतने डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ता. चार्ज क्यू एट द फेस सेंटर ऑफ अ क्यूब. लेट्स सी क्यूडी ज्योमेट्री का विजुलाइजेशन है. नाउ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. चार्ज इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फेस सेंटर. Yes. How much charge is inside now? Oh, how sir, zero. Sir, zero hona chahiye bata. Zero. Yes, sir. Kyunki enclosed tha shayad. हाँ हाँ enclosed ही था बिल्कुल शायद 100% enclosed ही था. Okay. What is the shape of a point? सर्कल या स्फीयर. स्फीयर पॉइंट इज अ स्फीयर. जूम करते जाओगे तो फुटबॉल बनेगी. पॉइंट का सर शेप थोड़ी होता है. That is if you zoom in it will be from all the direction because it is symmetrical from all the side. It will become a sphere. Point ka koi shape nahi hota. Kyun nahi hota bhai, har kisi ka shape hai. Aman sir shayad kyunki infinitely small wo hai. Infinitely small hai to hum zoom in karte ja rahe ho aur bada camera laga rahe ho 20x 50x 100x. It will become a sphere. पॉइंट को जूम करोगे स्फीयर बनेगा लाइक ए फुटबॉल. एंड इफ इट इज एट द सेंटर हाउ मच ऑफ दैट फुटबॉल इज इनसाइड. एग्जैक्टली हाफ. सो इट बिकम्स क्यू बाय टू. चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस क्यूब. सो द टोटल फ्लक्स दैट कम्स आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्यूब इज क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट. एंड अगेन इट इज नथिंग टू डू विद द क्यूब. किसी भी सरफेस पे रखा होगा, किसी भी सरफेस पे चार्ज रखा होगा, देन हाफ इज इनसाइड हाफ इज आउटसाइड. थ्रू हाउ मेनी फेसेस इट पासेस. दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू हाउ मेनी फेसेस सर. फाइव. जिस पे रखा है उसके पास नहीं होगा, बाकी सबके पास होगा. बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल नाउ क्योंकि ये दोनों फेसेस के लिए साइड बाई साइड है और तीसरी वाली दूर है. सो यू कैन नॉट से दैट फ्लक्स थ्रू ईच फेस विल बी 1/5. ऐसे समझो इस रूम के दिस इज द वन ऑफ द फेस. यहाँ पे एक लगा दिया आपने बल्ब. दिस वॉल अज्यूम इट इज वन थ्रू द फ्लक्स. सेंटर पे हमने लगा दिया कोई लाइट सोर्स. दिस लाइट विल पास थ्रू ऑल द फाइव फेसेस एक्सेप्ट दिस वॉल. राइट. ओके. इट इज पासिंग थ्रू द फाइव फेसेस बट ऑल द फाइव फेसेस नॉट सिमेट्रिकल. तो इसमें हम थ्रू ईच फेस के लिए 1/5 नहीं कर सकते. It's not symmetrical. दो फेसेस पास में है और बाकी भी इसकी दूर है. थर्ड केस चार्ज क्यू एट द एज सेंटर. सोच में कोई जल्दी नहीं है. इसने पढ़ के आया. सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा. राइट. If it is one of the phase edge center, ये पढ़ के आओ तो अच्छी बात है. इसमें कोई बुरी बात नहीं. पढ़ के जानना चाहिए. Now charges kept at one of the edge center. How much charge is inside? 1/4. Explain how. Right. If we assume there are multiple rooms side by side, one edge is common to four such rooms. Each room will get 1/4 share of this football. The charge inside is 1/4. The total electric flux passing through is Q by 4 epsilon naught. Sir, वैसे ले रहे हैं कि half भार होगा और फिर बाकी half जो है वो दूसरे adjacent face से होगा रहा होगा.
नहीं, ऐसे दो रूम तो इस फ्लोर पे होंगे, दो इसके बगल में, मतलब दो रूम एडजेसेंट। अच्छा समझ गए। 1 2 3 4 ये जो एक साइड लेंथ होगी बीच में, दिस इज कॉमन टू 4 सच रूम। एवरी एज इज कॉमन टू 1 2 3 4। 4 रूम्स विल हैव विल शेयर अ कॉमन एज। तो एक के अंदर कितना आएगा, 1/4। ये डायग्राम समझ आ गया क्या, ये बॉक्स 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 जॉइन टुगेदर। किसी एक एज की अगर हम बात करते हैं, 1 एज is common to 4 rooms. If there is a football, 1/4 will be inside each. Net electric flux to each cube will be Q/4 ε₀. It is passing through how many faces now? 4. Is it symmetrical? Again, not symmetrical. No symmetry. So each face ke liye hum 1/4 fir se likh sakte. Next, when charge is kept at one of the corner, charge Q at one corner of the cube, if charge is present at one of the corner, then one corner is shared by how many rooms? वो हम यहाँ से फिर से देख सकते हैं। This is the corner, 4 इस फ्लोर पे, 4 रूम्स के ऊपर ऐसे ही, टोटल 8 रूम्स विल हैव अ कॉमन कॉर्नर। इफ अ चार्ज इज केप्ट एट वन ऑफ द कॉर्नर, इट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय 8 रूम्स, ईच रूम विल गेट 8 1/8 पोर्शन ऑफ द टोटल चार्ज। Q/8। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन चार्ज इज केप्ट एट वन ऑफ द कॉर्नर इज Q/8। This is passing through how many faces? 3. And now it is symmetrical or not? It is symmetrical. So symmetrical kaisa hai? Symmetrical hai beta. Ye 3 faces jo uske hain, 1 2 3, those which touches this corner, un teeno se pass nahi ho raha hai, and the remaining 3 are exactly same position. 90 degree rotate karte jaoge, it will be exactly same. और सर 8 कैसा है तो बताना, क्योंकि हाफ आउट है और फिर 4 वो है। नहीं नहीं, ये कॉर्नर है ना, अभी यहाँ फुटबॉल लगा दी मैंने, ऐसे जैसे नीचे थे वैसे ऊपर भी होंगे ना 4 रूम्स। अच्छा, और ज्यादा आसपास हो जाएगा, समझ लो बस भावना है। अगर आपके पास ऐसे बॉक्स है बहुत सारे, एंड यू अरेंज दी बॉक्स, वो लड्डू वाले जो बॉक्स है, अरेंज देम, एक बॉक्स विल बी टचिंग एट वन कॉर्नर, राइट? ओके, हाँ। सो ये जो एक कॉर्नर पे जब चार्ज रखा है, इट इज पासिंग थ्रू 3, एंड दिस विल बी सिमेट्रिकल, आइडेंटिकल फॉर ईच फेस। को 90 डिग्री घुमाओगे तो जो 4 है वो 5 बन जाएगा, जो 5 है वो 6 बन जाएगा, इट विल बी एग्जैक्टली सेम। ऐसा समझ सकते हो किसी रूम के कॉर्नर पे अगर आपने टॉप पे कोई बल्ब लगाया, ऑल 3 फेसेस विल गेट एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ लाइट, सेम अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट? रूम में एक कॉर्नर पे अगर आपने बल्ब लगाया, तो ऑल द 3 फेसेस विल गेट एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन। सो ये टोटल फ्लक्स हो गया Q/8 ε₀, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, जितने उसे पास हो रहा है उन्हीं की बात हो रही है। इट इज पासिंग थ्रू 3 फेसेस, द फेसेस व्हिच डज नॉट टच दैट कॉर्नर जहां पे चार्ज रखा हुआ है। इसको जो 3 कॉर्नर 3 फेसेस टच करेंगे, दोस फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, फ्लक्स विल बी 0, राइट? तभी पूछ भी सकते हो अगर ना समझ में आए तो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1/3 ऑफ टोटल दैट बिकम Q/24 ε₀, Q/8 इट इज इक्वली सिमेट्रिकली डिवाइडेड इन 3 फेसेस, सो Q/24 ε₀। नेक्स्ट Q/24 1/3 ऑफ Q/8 वाज द टोटल फ्लक्स, और सिर्फ 3 फेसेस के थ्रू जा सकता है, 3 फेसेस के थ्रू पास हो रहा है, इसलिए इट विल बी 1/3 टाइम्स टोटल फ्लक्स,
which becomes Q by 24 epsilon. Right? Okay. Next case, suppose we put the charge at the center of a hemisphere. At the center of a hemisphere. How much is the flux inside through this hemisphere? How much? Half. Same as that face center. So zoom karoge to aadha football inside, aadha outside. The flux that is coming out of this hemisphere will be Q by 2 epsilon. When charge is kept at the center, isi se thoda associated kuch tricky questions aate hai. If the charge is just inside, what is the net flux? A point charge is just inside, at the center, but just inside. This charge Q is a point charge Q. Specifically, aap isko point charge likhe na, point charge Q at the center of hemisphere. Just inside, see the second part, point charge Q. Just inside the sphere at center. In this hemisphere, now charge is kept at the center, but it is not exactly on that face. It is slightly inside. This is the charge, slightly inside. Wo samjhane ke liye niche bana diya. थोड़ा सा ही नीचे बन ज्यादा बना दिया अंडरस्टैंडिंग पर व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज द टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये भी अंदर चला गया सो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द प्लेन सरफेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट कम्स आउट थ्रू द प्लेन सरफेस सरफेस पे रखा था तो हाफ अभी सरफेस से थोड़ा सा नीचे आ गया स्लाइटली इनसाइड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेनर सरफेस सर अपॉन टू राइट क्योंकि थोड़ा सा नीचे गया अगर इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं दिस इज स्लाइटली इनसाइड दिस इज क्यू बाई टू ये पहले भी Q by 2 था अभी भी Q by 2 है so the remaining is coming out of the planar surface only electric flux through plane surface will be Q by 2 epsilon ऐसे कुछ फर्जी वाले क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज दिस पॉइंट चार्ज इज जस्ट आउटसाइड द हेमिस्फीयर जस्ट आउटसाइड एट द सेंटर पॉइंट चार्ज Q just outside at the center of hemisphere slightly outside what is the flux entering through the plane surface and what is the net flux now is our exam I have a question is they are wasting time What is the flux entering through the plane surface and what is the net flux now? Net flux kitna hua Sushant? Charge ko thoda sa bahar kar diya, slightly above the center. Charge andar kitna hai? Is diagram mein sphere ke andar charge kitna hai? So, kaun se diagram? Zero. अरे थर्ड वाली जो नहीं भाई थर्ड केस दिस वाज द सेकंड केस फर्स्ट केस वाज एग्जैक्टली एट द सेंटर नाउ द चार्ज इज पॉइंट एंड दिस इज स्लाइटली अबव द सेंटर व्हिच मींस नाउ इट केम आउट ऑफ द हेमिस्फीयर
अगर वो एटमॉस्फेयर के बाहर आ गया तो कोई चार्ज ही नहीं अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू दिस एटमॉस्फेयर विल बिकम जीरो. इसका मतलब जितना कर्व सरफेस से पॉजिटिव बाहर आ रहा है सेम विल बी एंटरिंग नेगेटिव टू द प्लेन सरफेस. कर्व सरफेस से कितना था क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा बाहर करो या थोड़ा अंदर करो इट वोंट चेंज, slightly above or slightly below. The flux that comes out to the curved surface is q by 2 epsilon naught. But since net is zero, electric flux entering to the plane surface will be how much? Electric flux entering through the plane surface will be exactly same but negative because electric field lines are going inside. Minus q by 2 epsilon naught. The flux that goes in is taking negative sign. And the flux that comes out is taken with positive sign. Right? Okay. Next. Electric flux entering through the plane surface. वेरी नाइस, ठीक है आगे बढ़ते हैं. ये इस एग्जांपल से ये क्लियर करना था कि हाउ डू वी डील विद द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड. कुछ एचसी वर्मा में और कुछ कंसेप्चुअल बुक में ऐसे भी होते हैं लाइक इफ द चार्ज इज केप्ट नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन q by 2 epsilon naught, लेस देन q by 2 epsilon naught, इक्वल टू q by 2 epsilon naught. Depend upon the position, cannot stay. If charge is present at the spherical boundary of the hemisphere, what will be the flux? Greater than q by 2, less than q by 2, equal to q by 2, or cannot predict? Depends upon the position. Yes. So, ye minus q by 2 epsilon naught kyun? Kyunki wo andar ja raha hai na bahar se. Plus entering into a surface is taking negative sign. Okay. Flux coming out of the surface is positive. First the recording dekho. Humne forward karke dekhi hai isko. The forward karke to nahi dekhi but thoda matlab aata tha pehle se isliye thoda na like. Okay, fir se dekho. Forward karke nahi. Revision mein speed badha sakte ho but not the first time. Yes, what will be the answer? Charge andar q by 2 se zyada hai q by 2 se kam? Greater? Yes, Kunal. Greater than q by 2, less than q by 2. Question, yeah, very cool, very good. Charge q is kept at the spherical boundary of hemisphere. अभी प्लेन सरफेस के सेंटर पे रख रहे थे. लेस देन. व्हाई? सर के कि दो उस पे जा सकता है मतलब मैंने तो ये लगाया था कहता है. ओके, पॉइंट का शेप स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से पास होने वाला कोई आर्क भी हो रहा है. ऑब्वियसली द पार्ट व्हिच लाइज इनसाइड इज less than half. Charge inside is less than half, so flux coming out through this will be less than q by 2 epsilon naught. The total flux will be less than q by 2 is a board level only question. Another question again asked in the board exam. There is a charged ring. Total charge on the ring is q. A uniformly charged ring another identical sphere, identical matlab same size sphere. Find the electric flux passing through sphere S1. Calculate the electric flux through the S1. Both radius is same.
the radius of the ring as well as sphere both have same identical size. Yes. थोड़ी ज्योमेट्री है बच्चों वाली. You have to find how much portion of the whole charge ring is present inside this sphere of S. This is a closed sphere. हम गॉसियन सरफेस ही बोलते हैं जो ऐसा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं. यस, हाउ मच चार्ज इज इनसाइड? सर चार्ज किधर प्लेस्ड है? किधर प्लेस्ड है चार्ज? पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल रिंग एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. द स्फीयर इज पासिंग थ्रू द सेंटर. पूरी रिंग पे क्यू है. वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज द चार्ज ऑन दिस पोर्शन व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर. आधे से तो कमी होगा यार, आधा तो बाहर ही है. How much is that charge? वो आपको ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना है. It is very easy. बोर्ड का क्वेश्चन है. So the लिखना क्या है? बस less than लिखना नहीं, उसकी exact value है वो निकालना. वो तो मैं आपको counter logic दे रहा था. Q by epsilon naught तो हो ही नहीं सकता because it will be even smaller than Q by 2. What is the exact value that you have to calculate? ज्योमेट्री बेच के पट्टी का है. बचपन से ज्योमेट्री तो पढ़े ही रहे थे. सिंपल ज्योमेट्री है ये. ये रेडियस आर, ये इसकी रेडियस आर, ये इसकी रेडियस आर. व्हाट ट्रायंगल इज दिस? इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ही होगा ना, दोनों की रेडियस सेम है. ये आर आर आर, ये 60 डिग्री. ऐसे नीचे बनाओगे 60 डिग्री. टोटल एंगल कितना हुआ? 120. एंड व्हाट इज द टोटल एंगल फॉर्मड बाय द होल सर्कल? 360. 360 के 120 means 1/3. Angle formed is 1/3. Length is 1/3. Charge is 1/3. Flux is Q by 3 epsilon naught. Simple. Geometry 8 तक पढ़ी, 9 तक पढ़ी है? 8 तक. हाँ? ऐसे में कहाँ geometry? थोड़ी सी है. Very good, very good. Yes. Yeah. कोई बात. मतलब सिंपल से था, इसमें कोई दिमाग इतना लगाना नहीं था. दोनों के रेडियस सेम है, बस को कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो ये आर, दिस इज आर, ये भी सेंटर टू सर्कमफेरेंस आर. दिस बिकम इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60. टोटल एंगल आ गया 120. द होल रिंग फॉर्म 360. उसका 120 वाला पोर्शन इस स्फीयर के अंदर है. So 1/3 of the charge is present inside this sphere. Total charge it closes Q by 3. Total flux, electric flux through the sphere as well as Q by 3 epsilon naught. तो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा. Ring है ना, वो disk थोड़ी है. Thickness is not. ये thickness तो सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है मैंने. Ring is wire just converted in the form of circle. Electric flux through the sphere. ऐसे और कुछ है वो आप होमवर्क में करेंगे, वर्कशीट में. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. अभी हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे. गॉस लॉ से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय नोइंग द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड.
दूसरा तरीका था इंटीग्रेशन करके ई डॉट डी, उसका भी हमने एक केस किया. नाउ वी विल यूज द गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग दिस टू अप्रोच. एक बार हम चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ऑल्सो फॉर सम ऑफ द केसेस. राइट, नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. एनसीईआरटी में जितने कॉन्सेप्ट है उसके करीब 3 टाइम्स मोर कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इस चैप्टर में. सो वी आर प्लानिंग टू टेकल ऑल ऑफ देम. इसलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं. विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम एट द एंड, एंड मतलब एंड ऑफ दिस चैप्टर, नॉट एट द एंड ऑफ दिस क्लास. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहला एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ऑन एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. राइट, सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए क्या क्या लिमिटेशन है, वॉट आर दी. फर्स्ट थिंग इज हमें एक गॉसियन सरफेस यूज करना पड़ेगा, closed Gaussian surface, right? Theoretically, अगर बहुत सारे charges हैं, let's say Q1, Q2, minus Q3, Q4, and so on. Logic क्या है? Logic हम कोई भी एक closed surface बना ले, this is a closed surface. नॉट सिमेट्रिकल, कोई सिमेट्रिक नहीं, कुछ भी रैंडम सा, मतलब ये 2D नहीं, दिस इज 3D बाय द वे, कवरिंग फ्रॉम टॉप आल्सो एंड फ्रॉम द बिलो द प्लेन आल्सो. इसके किसी एक पॉइंट पर सरफेस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, E, यहाँ पर हमने छोटा सा E कैन बी इन एनी डायरेक्शन, रैंडमली कुछ भी होगा, E डॉट डी ए, और इसको हम इस पूरे सर्फेस पर इंटीग्रेट करते हैं. Integrate this E dot D on the whole surface. Mathematically, the for this closed surface, integration of E dot DA will be equal to how much? Total charge enclosed by it, Q1 plus Q2 minus Q3. It will not depend at all on the charge which lies outside, which is Q4 divided by epsilon naught. Right? यहां तक लिखता, दिस इज करेक्ट मैथमेटिकली, इट इज परफेक्टली फाइन. किसी भी क्लोज सरफेस पे, और ऐसे इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जिसको हम अप्लाई, इसको हम ड्रॉ करते हैं टू अप्लाई द गॉस लॉ और गॉस, करेक्ट, ये इसी का मैथमेटिकल एप्लीकेशन. इस सरफेस पे ऐसा कोई भी सरफेस ले लो, टेढ़ा मेढ़ा क्यूब बना दो, बट द प्रॉब्लम चैलेंज विल कम इन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, बिकॉज ई हर जगह पर डिफरेंट होगा, डी ए डिफरेंट होगा, और उनके बीच का एंगल डिफरेंट होगा, सो वी कैनॉट फर्दर इंटीग्रेट ऑन द लेफ्ट साइड. राइट, सो स्टेटमेंट क्या देते हैं, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉसिबल शेप ऑफ चार्जेस एंड गॉसियन सरफेस. चार्ज भी याद रखने कि ये पॉइंट चार्ज हो, यहाँ पे एक छोटी सी नॉट रख दो, हैविंग Q4, एक छोटा सा डिस्क रख दो, doesn't matter, Q5 is Q6, that will be Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4 plus Q5, doesn't matter what is the shape of charge, you have to just count the charge inside. Rod agar aadhi andar aadhi bahar hai, keval andar aadhi wali charge ko hum consider karenge. Right, so Gauss law is applicable for all the shape of charge distribution, point charge, sphere, dot, disk, kuch bhi rakho. And it is also applicable for any shape of Gaussian surface. There is no that you have to make a cuboid or a sphere or a cylinder. It is applicable if somehow you can calculate E dot dA. This will always be equal to Q1 plus Q2, jitne bhi charge andar hai, by epsilon naught. This value does not depend upon any charge which lies outside. Just say, yahan par Q6 le liya, ek aur le lete hain, minus Q7, and so on.
बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे यूज करनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड, इट इज द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। व्हाई? फ्लक्स तो केवल अंदर चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करोगे या जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी है, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस। व्हाई इज दैट सो? अभी हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, आई विल मेक यू राइट वन बाय वन ईच पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। गॉस लॉ अप्लीकेशन करेंगे बट हर जगह कर सकते हैं, बट कर पाएंगे नहीं बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल लिमिटेशन। इट कैन बी यूज्ड विद सम प्रोग्रामिंग एंड ऑल इफ यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन वेरीफाई फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एनी टाइप ऑफ सरफेस, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यूज करनी चाहिए टू कैलकुलेट द फ्लक्स, दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, इट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। व्हाई? वो भी एक्सप्लेन होगा। इट्स ऑल पॉइंट बाय पॉइंट, मार्क द स्टार एंड राइट। द गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, बोलो, वो टोटल ये अंदर ही है पूरा क्यू फोर क्यू फाइव गिवन है इस पूरी रॉड पे क्यू फोर चार्ज है क्यू फाइव है। ऐसा अगर होता कि आधी बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप केवल अंदर वाले लेते हैं क्यू फोर बाई टू लेते हैं। इफ इट इज कंप्लीटली इनक्लोज देन यू हैव टू टेक द होल चार्ज। यस, स्टार मार्क एंड राइट। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर all possible shape of closed surfaces, all possible shape of closed surfaces and all type of charge distributions, all types of charge distributions but is applied only for symmetrical Gaussian surfaces, but is applied only for symmetrical Gaussian surfaces to calculate electric field due to a charge configuration due to a charge configuration। ये बात समझ गए ना क्या बोली जा रही है? अभी अप्लाई तो सभी में कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल थ्योरम, सब जगह सही है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? ई को बाहर निकाल के, ओनली देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेपरेटली, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ऑन सच एन इररेगुलर सरफेस। नेक्स्ट, स्टार एंड राइट। The electric field calculated using Gauss law is the resultant electric field due to all the charges present inside as well as outside the Gaussian surface. Electric field calculated using Gauss law is the resultant electric field due to all the charges present inside as well as outside the Gaussian surface. Now my question is why? How it is possible? जब flux में तो केवल अंदर वाले charges दे रहे, तो electric field सारा कैसे आता? How it is the net electric field of all the charges? Question samajh aa gaya na? Okay, yes. Try why it is the net electric field due to all the charges inside as well as outside. Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4 by epsilon naught.
Anybody online? Krish? Vidit? Yes, sir. Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर वाले का भी कैसे आ गया, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ इट इज आल्सो रिलेटेड विद द आउटसाइड चार्जेस। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, किसकी बात हो रही है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग। फ्लक्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम चार्ज के लंबाई ले रहे हैं, लेकिन जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं देन वी से दैट दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड एंड हाउ इट कैन बी जस्टिफाइड। Yes. एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस पे E dot dA को इंटीग्रेट करते हैं, वो आएगा चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स द थ्योरम। सपोज दिस इज सिचुएशन, देयर आर सम चार्जेस इनसाइड, सम चार्जेस आउटसाइड। हमने उस सरफेस के ऊपर E लिया, dA वेक्टर छोटे-छोटे इंटीग्रेट, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन द चार्जेस विद इन इनसाइड। राइट? ओके? बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें, somehow we can get the value of electric field, that electric field is not just because of charges inside, it is because of all the charges within inside as well as outside. Or reverse, if you know the electric field formula and you have to calculate the flux without using the charge, then E must be the resultant of all the charges within inside as well as outside. My question is, when flux depends only upon the inside charges, how come the electric field is the resultant of all the charges inside as well as outside? Anyone likes to explain or give any view on this? Sir, is it because the outside charges do not produce an electric field? Outside charges does not produce electric field? Yes, sir. Why not? Charge to electric field to hogi hogi. Sir, pata nahi. मतलब मुझे नहीं पता। आउटसाइड पता नहीं, बट ट्राई अच्छा था, कोई बात नहीं। आउटसाइड चार्जेस विल हैव इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑब्वियसली चार्ज है तो फील्ड होगी, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट दिस सरफेस वंस व्हाइल एंटरिंग एंड फॉर द अदर साइड इट विल लीव आल्सो। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस आउटसाइड चार्जेस, यू नो that is actually included here. जो flux calculate कर रहे हैं वो ऐसा नहीं केवल अंदर वाले charges का ही है. The flux calculated is also due to all the charges present inside as well as outside. But जो charges outside है उनकी electric field line surface में एक तरफ से अंदर होंगी दूसरी तरफ से बाहर. If same number of electric field line goes in and same number of electric field line goes out, the total flux due to that charges सर। तो ओ अच्छा, डीए और ई की जो डायरेक्शन है वो है क्या कहते हैं, ऐसे कैसे परपेंडिकुलर है, इसलिए तो अलग जगह पे अलग अलग होगी। दैट यानी ई डीए का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए है कि जब हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स डिफाइन करते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला था फॉर एनी क्लोज सरफेस टोटल आउटवर्ड फ्लक्स माइनस टोटल इनवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड में जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, 2 इज गोइंग आउट, 2 इज गोइंग इन। For any charge which lies outside, the flux contribution of that charge is zero. अगर हम ये बोल रहे हैं कि flux के अंदर ले charges का है, then that is a wrong statement. This electric flux is due to all the charges present inside as well as outside, and that is why electric field calculated will also be due to all the charges. देख लो star marker. सर एक बार zero बता दो फिर से क्यों है zero. बेटा पिछली क्लास का लेक्चर आपको फिर से अच्छे से बिना किसी fast forward के देखना है। किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट व्हेन देयर इज वन सरफेस, व्हेन देयर इज अ क्लोज सरफेस लाइक क्यूब और सिलेंडर और एनीथिंग, फ्लक्स एक साइड से अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। फॉर एनी क्लोज सरफेस फ्लक्स इज डिफाइंड एज टोटल आउटवर्ड फ्लक्स माइनस टोटल इनवर्ड फ्लक्स। अगर वो चार्ज बाहर लाई करता है तो जितनी फील्ड लाइन अंदर गई थी उतनी फील्ड लाइन दूसरी साइड से बाहर। अच्छा, ओके सर। 2 is going outside, 2 is going inside, 2 minus 2, 0. Net flux contribution of all the charges lying outside is always 0. So, wo flux bhi humne yahan pe include kar liya hai. This flux is due to all the charges. Ye chote chote points hai jo books mein explain nahi hai ya likhe hai, to aise likhenge samajh nahi paoge. And that's why electric field, kisi ka exam ho to bata dena, hum thoda sa jaldi kar lenge. I think last year you have exam on 22nd. हो गया।
इलेक्ट्रिक चार्ज वाला तब था हाँ मंडे को था ओके हाँ हाँ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस आई विल ट्राई टू मैच दी पेस ऑफ योर स्कूल बट नॉट अ गारंटी बिकॉज थोड़ा एग्जॉस्टिव सेट हमें पढ़ना है कि आप कोई भी बुक आंख बंद करके खोलो अपने सिलेबस की देन यू शुड फाइंड दैट कॉन्सेप्ट इन योर नोट्स ठीक है तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है इफ यू हैव एनी एग्जाम कमिंग आई कैन प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट ईयर्स और लास्ट ईयर ऐसे कस्टमाइज रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है यू हैव टू जस्ट अपडेट ठीक है क्लास के पेस पे हम रैंडमली कोई भी चेंज नहीं करेंगे दुर्घटना से देर बली इसलिए धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी थोड़ा अच्छे से क्वेश्चंस करते रहना राइट ओके यू अंडरस्टूड अब हम आते हैं एप्लीकेशन क्या हमें एप्लीकेशन करना है पहला एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लिखा था ना कर तो सभी पे सकते हैं बट कर पाएंगे नहीं बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल लिमिटेशन इट विल बी अप्लाइड ओनली फॉर अ सिमेट्रिकल सर्फेस तो नेक्स्ट हेडिंग डाले ना एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये पहला एप्लीकेशन है और भी बहुत सारे हैं बट दिस इज इन एनसीईआरटी ऑल्सो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकल होती है नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में कुछ बात की थी हमने यस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकल होनी चाहिए और सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी किस टाइप की सिमेट्री है accordingly we choose a Gaussian surface right point charge ki electric field symmetrical hoti hai ya nahi hoti yes or no pehle to main bol raha hu do baar puch liya to na ho gaya electric field lines ki symmetry kaise check karte hain okay koi baat nahi chalo let's understand to hame isme step kya karne honge pehle suppose ye koi charge hai पॉइंट चार्ज जस्ट टेकिंग एग्जांपल फॉर पॉइंट चार्ज इसके किसी एक पॉइंट पी पे से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हम कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे यूजिंग दिस मेथड उसके लिए पहला स्टेप है हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप पता होना चाहिए सो दैट वी कैन चेक वेदर इट इज अ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है गोइंग आउट इन ऑल द डायरेक्शन Yes. Is it symmetrical or not? कैसे डिसाइड करते हैं चार्ज से आर डिस्टेंस हर तरफ चलते हैं आर आर इन ऑल द डायरेक्शन इफ वी आर फाइंडिंग एग्जैक्टली सेम दिस इज आर आर इस स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज रेडली आउटवर्ड्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिमेट्री है हर डिस्टेंस पे डालते रहो हर जगह पे यू विल एनकाउंटर द सेम फील्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री फॉर अ पॉइंट चार्ज ये वहां भी लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल तो पहला स्टेप क्या करना है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पहले हम उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे फिर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होने वाला सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी सिंस इट इज अ स्फेरिकल सिमेट्री वी हैव टू चूज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ये स्फीयर ही क्यों लिया क्योंकि हम स्फीयर में सिमेट्री से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं इवन इफ यू टेक अ क्यूब क्यूबॉइड गॉस लॉ विल स्टिल बी ट्रू
ठीक है, स्टेप क्या होंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप बनाना है, सेकंड स्टेप ड्रॉ अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग टू दैट पॉइंट, थर्ड स्टेप अप्लाई द गॉस लॉ और गॉस थ्योरम ऑन दैट सरफेस। पी पे निकालना है, सो पी पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं डी ए, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पी भी बाहर की तरफ होगा रेडियली आउटवर्ड्स, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होता है हमेशा, कंसीडर ए स्मॉल सरफेस। तो ये तो एक एग्जांपल था, बट इसको आप फर्स्ट रीडिंग में डाल सकते हो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग अ गॉस थ्योरम, नॉट द कूलॉम्स लॉ। एक फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास फॉर अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग द कूलॉम्स लॉ, फोर्स अपॉन चार्ज। इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट अ स्टेप। यस, you want to write you can write this step, otherwise example se clear ho jayega. Pehla step electric field lines draw karni hai, second step us point se pass hone wala symmetrical gaussian surface banana hai, and then apply the gauss theorem. Consider a spherical gaussian surface of radius r, gaussian surface of radius small r passing through point p. जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पर वी विल टू पॉइंट अप्लाई द गॉस थ्योरम फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए is equal to total charge enclosed, total charge enclosed to q ho gaya by epsilon naught, and this is a sphere. Chota sa area leke us pe pehle apply karenge, and then we integrate for the entire surface. Dot product a dot b is ab cos theta, a dot b is ab cos theta e into da into cos 0, this will be equal to q by epsilon naught. A dot B is AB cos theta, E and DA both are in the same direction. Okay, by symmetry we know that E is going to be same at every point on this sphere. E ki value iske har ek surface pe, har ek point pe same hogi, DA bhi electric field ki direction mein hi hoga. So what we do? We take E outside because E is now constant at each point on the surface. Electric field ki value har jagah pe same hai aur ye constant hai aur constant ko hum integration se bahar nikal sakte hain. So we'll take this E outside this integral. Integration of dA is q by epsilon naught. dA was the small area on the sphere. Integrate karenge to total area mil jayega and total area will become 4 pi small r square. Electric field E into 4 pi small r square is q by epsilon naught. Electric field due to this point charge q by 4 pi epsilon naught r square, which is same as that we derived using Coulomb's law. Coulomb's law se jo formula mila tha is the same formula, but now it is mathematically derived rather than using that experimental. So, which means we can derive Coulomb's law using Gauss law for point charge, same as Coulomb's. So, which is more fundamental? Gauss law. Gauss law is more fundamental than Coulomb's law because it is applicable for all the shape of charge distribution. Plus, a special case of Gauss law is Coulomb's law. Gauss law applied for point charge gives Coulomb's. Yes, boss. Again, like the epsilon naught. Right. Clear? ये Gaussian surface को अगर हम change करते जाएंगे radius, अंदर जो flux है वो तो उतना ही रहेगा,
इस साइड में बस आर विल चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम गॉस लॉ से डिराइव किया. ये दिस इज डेरिवेशन और कूलॉम में जो था दैट वाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फोर्स. ठीक है. तो नेक्स्ट इज ये तो पहले भी आप पता ही था हमें, दिस इज नथिंग न्यू. कूलॉम्स लॉ से ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे. सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट वायर. फाइनाइट के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर हम फाइनाइट वायर के लिए गॉस थ्योरम लगाएंगे, वी रिक्वायर अ सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस. वी रिक्वायर अ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइनाइट रॉड के लिए इफ वी ट्राई यूजिंग दिस मेथड ऑफ यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट सिमेट्रिकल. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में विड्रॉ द शेप ऑफ फाइनाइट रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. किसी भी फाइनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर शेप बनाते हैं तो कैसे बनाया था? अज्यूम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, उसके ऊपर फोर्स जो सेंटर पर होगा उस पर ऊपर से नीचे से सेम फोर्स आएगा, रिजल्टेंट विल बी ओनली परपेंडिकुलर. जो सेंटर पर होगा उसके लिए दिस इज ओनली परपेंडिकुलर. और ये सिर्फ इधर ही नहीं है, दिस इज इन ऑल द डायरेक्शन. ऑल द डायरेक्शन मतलब इधर, इधर, इधर. It will be coming in all the directions. Line, na? Rod or rod ka perpendicular in all the directions. Right. Now, if we go slightly above this point, pe upper charge kam hai, niche zyada hai. Niche ka force zyada hoga, so this electric field line will slightly turn. Force will be in that direction. It will come always perpendicular because it is a metallic rod like this. Ye hum pehle bana chuke hai, I think. Right. उसमें किसी भी शेप की सिमेट्री नहीं है, ना तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है ना स्फेरिकल सिमेट्री है. बट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर चुके हैं बाय द वे यूजिंग इंटीग्रेशन एंड कूलॉम्स लॉ. याद है किसी को? फाइनाइट रॉड लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट अ डिस्टेंस r, वी डिराइव दिस फॉर्मूला x कंपोनेंट सेपरेटली y कंपोनेंट सेपरेटली. Electric field due to finite rod, since electric field line is non uniform or not a symmetrical, we cannot use this Gauss theorem to find the electric field here. Yes, and y component cos beta minus cos alpha. But if this same rod goes infinite length, for infinite length of this rod or wire, every point becomes midpoint. So, har ek point se electric field lines bahar ki taraf aayegi, and that will become a radially symmetrical electric field. For finite rod, Gauss law use nahi kar sakte because there is no symmetry of electric field. Second case is pehla point charge ka tha, electric field due to infinite line charge or infinite wire. Due to uniformly charged, also uniformly charged infinite length wire or infinite length rod. Now, sab logon ne application form bhar ke submit kar diya na? Kunal. I need the email ID and mobile number to create your account on the other portal. This way, I'm test karna serious wala. And I think Friday we are starting from the first test, chemistry circuit slot, which is 5:30 to 7. Because that is unavailable on Friday. It will be electric charge and Coulomb's law, electric field, principle of superposition, electric field lines. Before electric flux, whatever we have done. So Friday ko is Friday. Haan, is Friday, day after tomorrow. So kahan tak, kab tak, kahan tak hai topic? Before electric flux, jo 3 DPPs humne kiye hain, shayad theek hai na? Electric field wali, flux ko chhod ke. Online hai, class ke liye to aoge, meri class ke liye to aoge na, 4 to 5 6. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, बट अपने डिवाइस लेके आना. यस, इट विल बी ऑनलाइन.
electric field would uniformly charge infinite length wire. If it is an infinitely long rod having a uniform charge density, और infinite wire के लिए जो लोग घर पे देना है उनको घर पे देना है, कोई बात. Those who are attending online. Yes. सर उसी ऐप पे जो नहीं बेटा दूसरा ऐप है, वो ऐप तो क्लास के बस जैसे कुछ कुछ इजी इजी टेस्ट के लिए है. This will be slightly difficult one, जैसे हमने DPP में questions किए थे उस टाइप. तो लास्ट एग्जाम में दिया होगा, दैट वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अटेंडिंग द क्लास अटेंटिवली. उसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मोस्टली इट वॉज थ्योरेटिकल. जस्ट वो हर क्लास में एक्चुअली देना है मुझे, बट थोड़ा अभी टाइम की वजह से आई एम नॉट असाइनिंग इट. लेट्स कवर अ बिट ऑफ सिलेबस. जो अभी आपने लास्ट टेस्ट दिया था ऑन द ऐप, सिमिलर टेस्ट विल बी गिवन ऑलमोस्ट एवरी क्लास जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल इन द क्लास. ठीक है, तो मतलब वो उसको ऐसा हलवा भी मत समझना कि इतना इजी है, दैट यू हैव टू डू इट. ये तो सर ने बोला है ऐसे ही क्लास के लिए है, छोड़ो इसको, हम तो सीधे युद्ध लड़ेंगे, असली वॉर, छोटे मोटे लड़ाइया नहीं लड़ते, शान के खिलाफ है. ऐसे गलत फहमी में मत रहना. दिस इज इनफाइनाइट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा. लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ. Every point is midpoint, क्योंकि ऊपर भी infinity है, नीचे भी infinity है. So from every point, the electric field lines are going radially outwards. Top view देखेंगे अगर हम, तो हमें किसी point पर electric field lines will be going in all the directions, like the top view. मैंने उसी में बना दिया. Electric field lines is coming in all the directions. Suppose हमें point P पे calculate करना है, अभी r distance from the wire, we have to find the electric field. Board में ये अक्सर आता है, कोई ना कोई आता है. This has been asked many 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 times. इसमें आपको अच्छे से लिखना होगा. Consider अब इसमें हम surface कैसा use करेंगे? What is the symmetry? Cylindrical. R distance पे हम कोई भी cylinder बना लेते हैं. Passing through that point P, if we consider a cylinder of radius R, length suppose L. Consider a cylindrical Gaussian surface passing through that point P of radius R, length L, and then apply the Gauss theorem for this cylindrical surface. I'm not writing that theory part again and again. आपको एक handwritten notes मिल चुके हैं, या जिनको नहीं मिले हैं वो ले लेंगे. उसमें वो already सब कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है. What you are supposed to write, consider a small. अब इसमें वैसे क्या होगा? There are three faces through which electric flux can come out. Cylinder के लिए curved surface or the flat surface, ऊपर और नीचे वाले. Consider a cylindrical Gaussian surface. Passing surface of radius r and length. Okay, passing through point P. So when you integrate the E dot dA on this cylindrical part, there will be the cylinder. The cylinder may total three surfaces only. Total charge enclosed upon epsilon naught. Lambda here is linear charge density or charge per unit length. If you integrate this, left में integrate करने के लिए सिलेंडर में एक तो curved surface है, curved surface में E dot dA, और दो ऐसे plane surface. सबको open कर लेते तब ये सिलेंडर नहीं लगाना, ये मतलब this circle is not required. Because now you have open it for curved and two plane surfaces, एक ऊपर और एक नीचे.
A dot dA is plane P1, plane P2. What is the total charge enclosed? This cylinder ke andar charge kitna aaya? How much is this charge? Lambda L. Unit length pe charge lambda, L length pe charge lambda into L by epsilon naught. जब ये प्लेन सरफेस पे आप कैलकुलेट करोगे, प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन, एरिया वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर, तो दो जीरो हां ये दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लेन सरफेस वाले दोनों पे जीरो जीरो, और इसमें ई बाहर लेंगे, एरिया वेक्टर में ई बाहर लेंगे, ई इनटू डीए इनटू कॉस जीरो, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस ऑन द कर्व सरफेस 2 पाई ई बाय सिमेट्री इज सेम lambda l by epsilon naught integration of dA on the curved surface will be lambda l by epsilon naught curved surface ko integrate karoge to total aa jayega 2 pi r into l so we get e into 2 pi r l equals to lambda l by epsilon naught l l gone we get electric field due to infinitely long wire as lambda by 2 pi epsilon naught r aur isko humne finite wire ka nikal ke aur fir alpha beta ko 90 put karke bhi calculate kiya tha electric field is lambda by 2 pi epsilon naught r isme 2 2 se upar niche multiply karoge to ban jayega 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda by r which is also written as 2k lambda by r electric field due to infinite wire okay I think that's it for today 5 minute break short ho gaya aapka okay yes so next class we will have the 3-4 more derivation from ncrt for this and friday 5:30 we will have an objective test जो 5:30 नहीं दे सकते कोई बात नहीं वो ऑनलाइन में पड़ा रहेगा यू कैन गिव ऑन द सेम डे एट एनी टाइम बट ओनली ऑन द सेम सो 4 टू 5:30 क्लास के बाद आप लोग हैं